इस धरती पे शैतान के पुजारी तेरे जैसे वडेरे और भी हैं, जो दिन रात इक्तदार के नशे में चूर गरीबों का जीना हराम किए हुए हैं। मैं तेरा जमीर हूँ, वक्त तेरे साथ। तुम तो इल्म से नाशना थे, तुमने गांव की मासूम लड़की जिसने तुम्हारी मुखालफत के बावजूद स्कूल खोल दिया उसे कत्ल करा दिया, अपने बेटे को भी कत्ल किया जिसने मरते वक्त अपने लहू से लिखा था इल्म जिंदाबाद हम जिंदाबाद। मैंने इससे भी ज्यादा गुनाह किए हैं, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। हाँ हाँ, तुमने गरीबों के नाम से नौकरियां हासिल करके इलाके की सारी तरक्याती स्कीमें राशि अफसरों से मिलकर हड़प कर ली। मैंने कहा मैं इससे भी ज्यादा गुनाहगार हूँ, खुदा मुझे माफ करे। जरूर माफ करेगा, खुदा मुझे माफ। लोगों से भी माफिया मांग ले, कानून के आगे एतराफ जुर्म कर ले। गरीबों का दुश्मन हूं मैं, तालीम का दुश्मन हूं, और सजा मिल जाए तो जेल में भी नमाज और कुरान पढ़ा कर अल्लाह ताला तुझे जरूर माफ करेगा। मैंने कहा ना, मैं इंसानियत का कातिल। जाबिर खान, जब मैं एक इंसान होकर तुझे माफ कर सकता हूं तो वो मेरा खुदा है तो क्यों नहीं माफ करेगा? उसने अपने महबूब नबी पाक से वायदा किया है कि मैं तेरे हर उम्मती को बख्श दूंगा। मेरे खुदा को गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से नहीं। उसने तुम्हें भी अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो तुम्हें भी एक अच्छा इंसान देखना चाहता है। अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो तो अब उसके सामने झुकना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, बार बार माफी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी। तौबा उसको पसंद है, माफी उसको पसंद है, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे मौला, मेरे मौला ने मुझे समझाया है कि खुदा राजी होता है आंखों में जब दो बूंद पानी आते हैं तो खुदा राजी होता है।